अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट जो फोटोज देखती है वो उसके और पेरुत के होते हैं। फोटोज देखकर वो चौंक जाती है और उसको लगता है ये बैन ने किया होगा पावी के कहने पर बैन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इन फोटोज के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीधा पावी के पास जाती है उसके ऑफिस और फोटोज का एनवेलप फेंकती है। पावी डर जाता है। नेत, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना गिरा हुआ काम करोगे। कल तुमने पैन के डैड को मुझे रोकने भेजा और आज फोटोज भेज रहे हो ब्लैकमेल करने। पावी, क्यों? मेरे फादर इन लॉ तुम्हारे हस्बैंड भी तो हैं। नेत पावी की इस बात पर उसे स्लैप मारती है। पावी भी अपना हाथ उठाता है उसे मारने पर वो एक लड़की को ऐसे पनिश करना सही नहीं समझता और वो उसे जबरदस्ती किस करता है। नेत खुद को उससे दूर करती है और फिर से स्लैप मारने वाली होती है। पावी कहता है अगर तुम फिर से किस चाहती हो तो ही मुझे मारना। नित रुक जाती है और गुस्से में फ्लावर पॉट तोड़कर वहां से चली जाती है। नित के जाने के बाद पावी उन फोटोज को देखता है और उसे लगता है कि ऐसी लड़कियों के कई एनिमी होते हैं, इसलिए कोई भी फोटोज क्लिक करवा सकता है। नित वापस अपने ऑफिस आ जाती है और बैन अपने काम में लग जाती है। वो तुरंत पैन को बताती है कि नित थोड़ी देर में ही पावी से मिलकर वापस आ गई। अपना खराब शराब मूड अच्छा करने पावी पैन के पास जाता है। पैन को पता चल चुका है कि नित पावी के ऑफिस में कितना प्रॉब्लम करके गई थी, तो वो पावी से कहती है कि इस बारे में मैं डैड को बताती हूँ। पावी, पर तुम्हारे डैड अपसेट होंगे ये जानकर कि तुमने किसी को भेजा उनके और नित के साथ में फोटोज लेने के लिए। पैन, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्हें मेरी बहुत चिंता है और मैं डैड से उस नित से ब्रेकअप करने को भी कहूंगी। इधर पावी के अंकल वासिन सारनाथ के जैसे साइन करके पैसे निकाल लेता है और फिर वो क्लब जाता है। क्लब में पैन की मॉम भी होती हैं पर वो वासिन को पहचान नहीं पाती। रात के टाइम वासिन बहुत लेट घर आता है। सारनाथ उसे घर लेट आते हुए देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारनाथ वासिन को समझाता है कि वो इतना लेट घर ना आया करे और अपना गुस्सा घर के वर्कर्स पर ना निकाला करे। दूसरी तरफ हम पैन की मॉम को देखते हैं। वो पैन से कहती है मुझे आज और अभी तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस से मिलना है। पैन, पर वो तो अभी वर्क पर होगी। मॉम, तो तुम मुझे वहीं लेकर चलो। पैन मॉम के साथ प्रेस पर पहुंच जाती है पर वो शर्म की वजह से मॉम के साथ अंदर नहीं जाती। बैन मॉम को लेकर अंदर जाती है और नित से मिलवाती है। मॉम, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना है। तुम दिखने में अच्छी हो, अभी यंग भी हो, तुम्हें और भी अच्छे मैन मिल जाएंगे, पर क्या तुम दूसरों के हस्बैंड छीन कर ही सेटिस्फाई होती हो? बैन नित से बोलती है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कौन है, इनके हस्बैंड की ही तुम मिस्ट्रेस हो। नित की जगह पैट कहती है नित किसी की मिस्ट्रेस नहीं है, पर नित उसे रोक देती है और खुद कॉर्न और पैन की इंसल्ट करती है। जब उन्हें रोकने बीच में पैट आती है तो बैन उसे धक्का दे देती है, पर ज्यादा लड़ाई बढ़ती इससे पहले वहाँ एडिटर एपिसेट आ जाता है। मॉम, अच्छा हुआ एडिटर तुम यहाँ आ गए, तुम अपनी वर्कर नित को ऑर्डर दो कि वो मेरे हस्बैंड से दूर रहे। एडिटर, ये नित का पर्सनल मैटर है और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। मॉम, तुम्हें ऐसी वर्कर को जॉब से निकाल देना चाहिए। नित, आप बहुत बोल चुके हैं इसलिए अब आप यहाँ से जाओ। मॉम गुस्से में नित को स्लैप मारने वाली होती है पर उनके मारने से पहले नित उन पर पानी से भरा ग्लास फेंक देती है। फिर तो उनमें और ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। बहन जैसे तैसे करके मॉम को बाहर लेकर जाती है और एडिटर नित को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। बहन को अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर नित पर बहुत गुस्सा आता है, वो मॉम को लेकर वापस घर चली जाती है। इधर नित एडिटर को बता देती है कि वो किसी की मिस्ट्रेस नहीं है बल्कि उसकी बहन है। ये जानकर एडिटर खुश और एक्साइटेड हो जाता है पर वो अपनी एक्साइटमेंट रोकता है। पैट बताती है एडिटर नीत बहुत सीधी है, वो किसी से लड़ नहीं सकती, इसलिए नीत ने उन्हें नहीं बताया कि वो मिस्ट्रेस नहीं है। अगर वो नीत के बारे में बता देती तो वो लोग उसे परेशान करते। एडिटर, नीत तुम बहुत अच्छी इंसान हो। घर पहुंचकर पैन पेरुत को बताती है कि डैड देखो आपकी मिस्ट्रेस ने मॉम का क्या हाल किया है। पेरुत, नी ऐसा नहीं कर सकती, हो सकता है वो नीत हो जिसे तुम नी समझ रही हो। पैन, तो क्या नित आपकी मिस्ट्रेस नहीं है? पेरुत, नहीं। पैन, मॉम इसका मतलब वो लड़की नित अपनी बहन नी बन रही है जिससे हम नी को परेशान ना करें। पैन ये बात बैन को बताती है। बैन कहती है तो हम भी ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमें नहीं पता चला कि वो मिस्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट डे पावी फिर से अपनी मॉम से मिलने जाता है और उनके लिए फ्रूट्स लेकर जाता है, पर मॉम वो लेने से मना कर देती है। उसी टाइम रूम से मिलने नित आती है और वो पावी को देखकर वापस जाने लगती है। रूम उसे रोक लेती है। नित रूम के लिए ट्रेडिशनल फूड लेकर आती है, रूम को बहुत अच्छा लगता है।
देन हॉस्पिटल से वापस जाते टाइम पावी नित से कहता है, अगर तुमने मेरी मॉम से मिलना बंद नहीं किया तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम उन्हें टूल की तरह यूज कर रही हो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। नित, जाओ बता दो। पावी नित का हाथ पकड़े हुए बात कर रहा था, पीछे से छुप कर रूम ये देख रही थी। उनके जाने के बाद रूम कहती है, मैंने सोच लिया पावी के लिए नीति सही रहेगी क्योंकि ये लड़की स्ट्रांग है। रास्ते में पावी नित को कार से फॉलो करता है और एक जगह रोक कर कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिससे तुम मुझे परेशान करना बंद करो। नित, तुम पैसे देने के लिए तैयार हो पर अभी मेरा मूड नहीं है लेने का। पावी, ऐसा है तो आज रात जब अंधेरा और लेट हो जाए तो शायद तुम्हारा मूड बन जाएगा। नित, क्या? पावी, मेरा मतलब है पैसे लेने का मूड बन जाए, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। नित, ठीक है। पावी, ओके तो आज रात हम किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पावी पेन को बताता है कि वो आज रात नित से सिर्फ नेगोशिएट करने मिल रहा है इसलिए वो कुछ गलत ना समझे, पर पेन का तो मूड खराब हो जाता है और वो बेन को बताती है, बेन तुम टेंशन नहीं लो, आज रात उन दोनों पर नजर मैं रखूंगी। नित घर वापस आती है, पावी से मिलने की वजह से वैसे ही उसका मूड खराब होता है, तभी उसके घर पेरुत भी आ जाता है तो नित फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पेरुत नी को बताता है कि नित उसे बहुत प्यार करती है क्योंकि उसे बचाने के लिए उसने पेन और कॉन को झूठ बोला कि वो मेरी मिस्ट्रेस है जिससे वो लोग तुम्हें परेशान ना करें। उसी टाइम नित के घर के बाहर पावी आ जाता है और नित को बाहर बुलाता है। नित उसे अपने घर के बाहर देखकर चौंक जाती है। नित नी और पेरुत से छुपकर बाहर पावी के पास जाती है क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो पावी अंदर आ जाता। पावी उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाता है और बेन उन दोनों को फॉलो करते हैं। पावी इस टाइम नित की हर बात मानने को तैयार होता है क्योंकि उसे नेगोशिएट जो करना है उसके साथ। नित बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करती है और वेटर से कहती है, जल्दी खाना लेकर आना, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर लेट हुए तो मैं सामने बैठे आदमी को खा सकती हूँ। पावी ये पागल हो गई है। देन पावी कहता है, चलो ठीक है, जब तक खाना आ रहा है तब तक हम पैसों की बात कर लेते हैं। नित, नहीं पहले मुझे पेट भरने दो क्योंकि खाली पेट मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। पावी, तुम बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। फूड सर्व होता है, नित खाने लगती है और उसके धीरे धीरे खाने की वजह से पावी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पावी नित को परेशान करने के लिए लास्ट टाइम की उसे किस की बात करता है। नित गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर पेन नित को रोकती है और कहती है, अब क्या तुम पावी को भी पेन से छीनना चाहती हो? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी प्लानिंग है पहले से ही। नित, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तभी वहाँ पावी आ जाता है और वो पेन को देख कर थोड़ा हेजिटेट होता है क्योंकि अब वो पेन को सब बता देगी। नित मौके का फायदा उठाती है और बेन के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे पावी ही उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आया है और अब वो मूवी देखने जाना चाहते हैं। नित तो प्रॉब्लम करके वहाँ से चली जाती है। पावी भी बेन को कुछ एक्सप्लेन किए बिना नित के पीछे भागता है और पूछता है, तुम क्या चाहती हो? नित, मैं तुम्हें और बेन को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ जिससे तुम कुछ लेसन सीख सको। पावी, वैसे अब तुम घर कैसे जाओगी? क्या अंकल पेरुत को बुलाओगी? नित, उससे तुम्हें क्या? पावी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, अंकल पेरुत तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? तुम्हें तो कुछ खास भी नहीं है। नित, मैं अपना चार्म सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाती हूँ जो उसके लिए सूटेबल होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड होता है।